हेलो दोस्तों, आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे, एडिटेबल पॉली के बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर आगे के नेक्स्ट पार्ट्स में हम थोड़ा और डिटेल्स में सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए एक बॉक्स लेता हूँ। ओके, अब ये बॉक्स लिया मैंने। अब इसमें क्या है कि अगर हम इसे कुछ मॉडिफाई करना चाहें तो इसमें हम सिर्फ लेंथ, वीट और हाइट का चेंजेस कर सकते हैं, या फिर F4 करके हम इसमें सेगमेंट्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। ओके, लेकिन इसके अलावा अगर मुझे कुछ एडिट करना है, इसे शेप में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ मॉडिफायर यूज़ करना पड़ेगा, एडिटेबल पॉली, एडिट पॉली। ओके, हम SP लाइन देख चुके हैं, तो उसके रिलेटेड ही ऐसा ही इसमें वर्टेक्स आता है और इसमें एजेस आते हैं, ये सब एजेस हैं। और उसके बाद बॉर्डर आते हैं। बॉर्डर कब विजिबल होगा? जब कोई पॉलीगॉन अगर ऐसा इस तरीके का कुछ गैप बना है और उसमें हम क्लिक कर रहे हैं बॉर्डर लेके, तो बॉर्डर सिलेक्शन होगा। ओके, तो इसे मैं कैप कर देता हूँ। और ये पॉलीगॉन, पॉलीगॉन्स यानी कि जो फेसेस होंगे वो पॉलीगॉन। एलिमेंट यानी कि पूरा फुल एक ऑब्जेक्ट जो पूरा कवर अप हो, तो उसे एलिमेंट बोलेंगे। ओके, तो वर्टेक्स में हम शेपिंग दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसा शेप देना चाहें हम। ओके, और इसके अंदर से अगर हम एजेस में आए तो एजेस में भी हम इसको इस तरीके से शेप कर सकते हैं, रोटेट करना चाहे तो रोटेट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसमें से काफ़ी अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें से मैं फ़िलहाल के लिए इसको क्या कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि वर्टेक्स के अंदर काफ़ी नीचे ऑप्शंस हैं, श्रिंक, ग्रो और काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमें एक 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 चीज़ें कुछ बना के क्रिएट करने के बाद ही हमें पता चलेगा। अगर मैं ऐसे समझाने जाऊँ तो पूरा एक बाई एक समझाने से कोई मतलब नहीं है, तो बेटर है कि मैं इसमें कुछ क्रिएट करूँ। तो मैं एजेस सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, ड्रैग करके सिलेक्ट करने में क्या होगा कि फुल इस तरीके से सिलेक्शन होगा। और इसका दूसरा तरीका ये है कि एज को सिलेक्ट करेंगे और इसे रिंग का ऑप्शन आता है, रिंग देने पे ये पूरा रिंग हो जाएगा इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन है कनेक्ट, तो मैं बीच बीच में से ऑप्शंस बता रहा हूँ ताकि क्या है, हमें इजीली ऑब्जेक्ट क्रिएशन और इजीली समझने में भी आसानी रहे। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 आता है एज, इसमें मैं जितना चाहे उतना एजेस ऐड कर सकता हूँ जैसे मेरे रिक्वायरमेंट्स होंगे। फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ 2 ही रखता हूँ। और इसमें पिंच एज कनेक्ट का जो है, कनेक्ट एज पिंच का ऑप्शन है, इस तरीके से पिंच कर सकते हैं स्पेस रखने के लिए। ओके, और जितना गैप आप रखना चाहें इसमें रख सकते हैं, मैं 80 रख रहा हूँ। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे है स्लाइड, इसको स्लाइड गए, इसको मैं कम करता हूँ, एग्जांपल मैं 0 रखता हूँ ताकि मैं इसे देख सकूँ। ओके, इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं इसमें 80 रख रहा हूँ। ओके, और इसे क्लिक कर दे रहा हूँ, टिक, ओके। अब सिमिलरली इस तरफ आएंगे, इस तरफ में इस एज को सिलेक्ट करता हूँ। अब हमने रिंग देखा था। ओके, लूप क्या काम करता है, इस तरीके से ये उसको लूप हो जाएगा चारों तरफ से जो उसके एजेस कनेक्टेड होते हैं। रिंग जो काम करता है वो इस तरीके से उसके बाजू के सेगमेंट्स को पकड़ता है, और लूप का मतलब है कि उसके
सात जो कनेक्टेड है उस एज को सिलेक्ट करता है। ओके, तो इसमें भी मैं लूप कर एज पकड़ता हूँ और मैं रिंग ही ले रहा हूँ ताकि मैं इसमें भी कुछ क्रिएट कर सकूँ। ओके, तो मैं इसमें भी एज ही कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अब इसमें सपोज़ के मुझे यहाँ से कुछ शेपिंग करना है। एग्जांपल के इसे मैं डबल क्लिक करूँ, एक एज को सिलेक्ट करके डबल क्लिक, तो भी ये लूप ले लेगा। ओके, इस तरीके से कुछ मुझे चेंजेस करना है, शेपिंग करना है। फॉर एग्जांपल तो मैं कुछ इस तरीके से शेपिंग क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, और जैसे कि पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन्स के यूज़ कैसे होते हैं कि ये सिलेक्टेड है तो इसमें अगर मैं चाहूँ तो इंसेट दे सकता हूँ या फिर इसमें एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा इंसेट करके देखते हैं कि वो कैसा फंक्शन करता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है इंसेट। ओके, अब इसमें वैल्यू देंगे 50। के इंसेट में जो पॉलीगॉन्स है वहीं पर ही रहेंगे, लेकिन जितना गैप देंगे उतना अंदर आ जाएगा। और इसे एक्सट्रूड अगर हम करते हैं तो वैल्यू के हिसाब से वो फंक्शन करेगा। अगर मैं 10 एक्सट्रूड प्लस दे रहा हूँ तो ये बाहर आएगा, और अगर माइनस दे रहा हूँ तो उतना ही पार्ट अंदर जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। और इसी में अगर हम एक और बार इंसेट देंगे और इसमें बिवल देंगे। ओके, बिवल का फंक्शन क्या है कि एक्सट्रूड हो गया और इसमें बिवल जो शेप चाहिए हमें वैसा। सपोज़ कि इसमें 50 रखा मैंने एक्सट्रूड में, और यहाँ प्लस करूँगा तो क्या होगा, प्लस में शेप जो है कुछ इस तरीके से बाहर जाएगा। ओके, और अगर मैं माइनस वैल्यूज लूँ तो अंदर के साइड आएगा, तो माइनस 50 रखता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल के लिए मैं अभी पार्ट वन रखता हूँ, इसी में ही हम एडिट करेंगे। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहें, ये फर्स्ट पार्ट है और आगे भी हम बहुत कुछ देखेंगे। कोशिश करूँगा कि सारे ऑप्शंस हम कवर अप करें, और उसके बाद इसमें से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ, प्रैक्टिस करते रहे और गुड बाय एंड टेक केयर।